सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल। तो वेरिएबल को बहुत ही अच्छे से डीप में जानेंगे हम कि वेरिएबल होते क्या है, कितने टाइप से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के बारे में ए टू जेड सारी चीजों के बारे में जानने वाले। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल होते क्या है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाकर देख लीजिए, वेरिएबल सेम होते हैं। ये तो नाम दे दिया है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल सेम फंडा होता है वेरिएबल का हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आप सी उठा लीजिए, सी प्लस प्लस उठा लीजिए, पाइथन उठा लीजिए या जावास्क्रिप्ट उठा लीजिए। तो वेरिएबल होते क्या है, तो फंडामेंट तरीके से ब्लॉक्स का यूज करके हमारे डाटा को मैनिपुलेट और स्टोर करने का काम हमारा वेरिएबल करता है हमारे कोड के अंदर। तो वेरिएबल हमारे मेनी टाइप से के होते हैं, बहुत सी तरीके से हम इनको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। बट आपको मैं पहले नॉर्मल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आएगी वेरिएबल होता क्या है। तो जैसे कि हमने हमारे स्क्रीन पर JVC24 नाम से एक फोल्डर बना रखा है जिसी के अंदर हम हमारा सारा काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल और जिसके अंदर हमने हमारी फाइल्स को स्टोर करा रखा है। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से मेमोरी अलोकेशन होता है जिसके थ्रू हम हमारी फाइल्स के पास जा सकते हैं, हमारे डाटा के पास जा सकते हैं। उन सब में हेल्प करने वाला काम हमारा वेरिएबल करता है। तो अब बात करते हैं वेरिएबल के टाइप से की। तो वेरिएबल नॉर्मली हमारा चार टाइप का होता है। तो सबसे पहले होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब डायरेक्टली हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका पहले एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, एक एक का एग्जाम्पल करते जाएंगे जिससे कि आपके सारे जो डाउट्स है वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो मैं मेरा सबलाइन खोल लेता हूँ और जिसके अंदर हमारा पुराना कोड भी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सबको हटा दिया मैंने, तो ये कंसोल डॉट लॉग करके रखा था हमने पिछली वीडियो में। तो एक फंडा और बताता हूँ आपको, कंसोल विंडो की जगह मेन स्क्रीन पर ही आपको कोई चीज को प्रिंट करवाना हो तो उसे आप कैसे करवा सकते हैं। तो उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से, ठीक है। अब आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना हम यहाँ करवा सकते, तो मैं लिख देता हूँ हेलो सार्थक, ठीक है। ये कंट्रोल एस किया मैंने, अब इस फाइल को मैं ओपन करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ पहले आपको कि इसका आउटपुट हमारा डायरेक्टली आ रहा है। अब तो ये H1 खोल ली हमारी, ये फाइल ओपन हो रही है क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ देख सकते हैं आपकी हेलो सार्थक आ चुका है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो उसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर हमने पूरा सिंटेक्स इसका बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैसेज लिखा और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट करा रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एक काम करते हैं, MSG नाम का वेरिएबल ले लेते हैं डायरेक्ट MSG, इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेंगे क्या हेलो वीवर्स, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, हाँ मतलब स्टोर करवा लिया इस हमारे वेरिएबल के अंदर। बट अब इसका आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर स्टोर है, हमने वेरिएबल को अभी यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेते। तो प्रिंट हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से करवाएंगे जो कि हमने देखा था, और डायरेक्ट हमें प्रिंट किसे करवाना है तो MSG को प्रिंट करवाना है। मैसेज नाम का जो वेरिएबल है उसे हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है हेलो व्यूअर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक आपके किसी भी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं आपके वेरिएबल को ऑटोमेटिक तरीके से। अब बात करते हैं अगला टाइप हमारा जो कि होता है वर। वर कीवर्ड के यूज से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जो कि बहुत समय से चलते आ रहा है, और ये अप्रोच को सारे लोग फॉलो करते हैं, ज़्यादातर फॉलो करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट जब से बनी थी ये कीवर्ड बनाया गया था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसका भी यूज़ करके देख लेते हैं, हम एक काम करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है स्क्रीन पर। तो फटाफट से चलते हैं हमारे वापस कोड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया वर, वर के अंदर ले लिया एज, और एज के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं 25। यही एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, वही एग्जाम्पल आपको करके भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है।
और ये टर्मिनेटर आप लगाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी आदत मानी जाती है, इसलिए मैं टर्मिनेटर को हर कोड में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी भी आदत डलवाऊंगा आप धीरे धीरे में। अब इसी वर्क को वापस से हम जैसे हमने ऊपर प्रिंट करवाया था वैसे इसको भी यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पर एज को भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, कंट्रोल एस कर दिया है मैंने। मैं वापस जाता हूँ स्क्रीन पर और 25 भी आ जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप 25 भी हमारा यहाँ पर आ चुका है वर्ड की मदद से। अब बात करते हैं हम अगला कीवर्ड जो हमारा होने वाला है वो होता है लेट। तो लेट को 2015 से पहले जब तक जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी और 2015 तक जब तक वर ये कीवर्ड था अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। बट जब जावास्क्रिप्ट में 2015 से एक अपडेट आया उसमें एक लेट कीवर्ड को भी यहाँ पर जोड़ा गया हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसके थ्रू भी आप बहुत ही आसानी से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट का यूज़ करके भी बता देता हूँ, इसमें भी हम सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं एज को ही। तो एज मैंने यहाँ पर दे दी 45 और यहाँ पर इसको भी सेम प्रिंट करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें दे दिया एच। अब इसको भी प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें क्या है अपडेट आते रह रहे हैं, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स को ऐड करते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी इसको बनाते जा रहे हैं। अब ये कुछ इरर हो गई है जिसके कारण ये नहीं चल रहा है, शायद ये बहुत सारे वेरिएबल्स को हमने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया उस कारण ये नहीं चल पा रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं वापस से पहले हटा के चेक कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें ही चेंजेस करेंगे अब जो डाटा है। तो ये देख सकते हैं पुराना आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर वर लगा रखा था यहाँ पर लेट लगा देता हूँ, लेट कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं। 25 आना चाहिए फिर भी हमारा, तो आप देख सकते हैं 25 आ रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कुछ चेंज नहीं हुआ हो, कभी कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं एक काम करता हूँ एज को चेंज कर देता हूँ 45 कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब ये यहाँ पर 45 भी हो गया, ये देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन को, आप ये देख सकते हैं 45 हो चुका है। ठीक है, अब एक लास्ट कीवर्ड जो रहता है हमारा डिक्लेरेशन का वेरिएबल के अंदर हम लास्ट तरीके से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इसको भी बता देता हूँ मैं। तो हमारा एक तरीका होता है आखिरी तरीका जो होता है वो होता है कॉन्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे पूरे कोड के अंदर जो यूजफुल वैल्यूज रहती है उनको स्टोर करवाने के लिए कॉन्स्ट का यूज करते हैं, जैसे कि PI की वैल्यू या और भी कोई यूजफुल वैल्यू रहेगी उसको हम स्टोर कॉन्स्ट के थ्रू करवाते रहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, इसका मैंने सिंटेक्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता रखा है। ठीक है, और आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो फिर मैं आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए।